कृष्णम वंदे। आज तक संपूर्ण मानव जाति श्री कृष्ण को समझने में संपूर्णतः सफल नहीं है। एक ऐसे मैग्नेटिक गॉड जिन्हें समझने के लिए इस सृष्टि के हर एक मानव को 5000 साल भी कम पड़े हैं। श्री कृष्ण के जीवन के हर एक पहलू को बारीकी से अगर देखा जाए तो उसका सार सिर्फ हम समझ सकते हैं। इनके हर एक स्वरूप में, इनकी हर एक लीला में एक उद्देश्य है, एक संदेश है। अगर हम धर्म के प्रति गहरी सोच और समझ, शायद अपने कर्म के वजह से, अपनी फर्जों के वजह से अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो सीधा और सरल उपाय भक्ति है। श्री कृष्ण के हजारों स्वरूप में से जो कोई भी स्वरूप हमारे हृदय तक पहुंचे, उस स्वरूप के आगे शीश झुकाकर उनकी भक्ति करें, यही सरल मार्ग श्री कृष्ण को पाने का है। चलिए उनका आराधन करते हैं। गिरिवर धारे कुंज बिहारे श्रीनाथ जी, भज मन गिरिवर धारे कुंज बिहारे श्रीनाथ जी, भज मन गिरिवर धारे कुंज बिहारे श्रीनाथ जी, भज मन गिरिवर धारे कुंज बिहारे श्रीनाथ जी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीनाथ जी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीनाथ जी। भजमन मंगलकारी कृष्ण मुरारी श्रीनाथ जी, भजमन मंगलकारी कृष्ण मुरारी श्रीनाथ जी। हरिओ भजमन मंगलकारी कृष्ण मुरारी श्रीनाथ जी।
ब्रज मन गिरिवर धारी कुंज बिहारी श्रीनाथ जी। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम वैष्णव प्रेम से बोलो श्रीनाथ जी, वैष्णव प्रेम से बोलो श्रीनाथ जी, सारे भाव से बोलो श्रीनाथ जी, सारे भाव से बोलो श्रीनाथ जी, अंतरनाद से जपो रे श्रीनाथ जी, अंतरनाद से जपो रे घट में बसे हैं श्रीनाथ जी। भजमन गिरिवर धारी कुंज बिहारी श्रीनाथ जी, भजमन मंगलकारी कृष्ण मुरारी श्रीनाथ जी। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी नारी श्रीनाथ जी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीनाथ जी। भजमन मंगलकारी कृष्ण मुरारी श्रीनाथ जी, भजमन गिरिवर धारी कुंज बिहारी श्रीनाथ जी। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने भी श्री कृष्ण की भक्ति किसी भी स्वार्थ के बिना की, उनको श्री कृष्ण मिले हैं। परमार्थ के लिए की गई भक्ति हमेशा सफल होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हजारों ख्वाहिशें आप मंदिरों में जाकर ईश्वर के सामने रखिए, शायद ही कोई पूरी हो सकती है। शर्त यह है कि वो आपके अपने लिए है, तो इसे पूरी होने में बहुत देर तक आपको इंतजार करना पड़े। लेकिन अगर आप परमार्थ के लिए मांगेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, किसी और के लिए मांगेंगे कि आज मेरा पड़ोसी दुखी है, आज मेरे परिवार में कोई दुखी है, आज इस सृष्टि में महामारी चल रही है, पूरी सृष्टि का कल्याण हो, परमार्थ के लिए मांगेंगे तो जरूर ईश्वर आपकी सुनेगा। कृष्ण बहुत ही नटखट है, आपकी मांग को पूरा करने में शायद वक्त लगाए, लेकिन भरोसा रखिए कृष्ण है, उसकी बात कभी विफल नहीं होती। और श्री कृष्ण अगर हृदय से आपकी बात सुन लेते हैं
तो आपकी मांग, हमारी मांग जरूर पूरी होगी, क्योंकि हम स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए मांग रहे हैं और साबित करना चाहते हैं हम कि अगर आपकी मांग परमार्थ के लिए है तो जरूर पूरी होगी इस कीर्तन के माध्यम से। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी कहते हैं भग
भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माय शोदा के जैसे सुलाते नहीं, ईश्वर को भी जब थकान से राहत चाहिए तो उन्हें भी माँ की गोद याद आती है। आपके और हमारे जीवन में श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि ईश्वर से भी पहले अगर किसी का नाम लेना हो तो वो माता पिता का, भगवान से पहले जिसकी पूजा हो सकती है तो वो है माता पिता। प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम के वाहक है, उनमें से अगर कुछ सीखना है तो प्रेम। वो प्रेम चाहे वतन प्रेम हो, वो आदर चाहे माता पिता के प्रति हो, वो आदर मित्र और सखाओं के लिए हो, वो प्रेम राधा जी के लिए हो, यही प्रेम अगर बांसुरी या मोर पंख पर हो तो यही प्रेम श्री कृष्ण का गौ माता के प्रति हो। 5000 सालों के बाद भी श्री कृष्ण को जब याद करें तब हमें गौ माता का महत्व आज भी यथार्थ मालूम पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने खुद राजा थे, द्वारिका के राजा, चाहते तो गैयाओं को चराने के लिए ग्वालों को तनख्वाह पर रख सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने गौ माता का पोषण करने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में रखी थी। गौधोलिक समय होते ही श्री कृष्ण अपनी महल से बाहर निकलकर गवाओं को चराने के लिए खुद ले जाते थे। उनका ये गाय माता के प्रति प्रेम हम मनुष्यों को ये सीख देता है कि भले ही हम अपने निजी जीवन में राजा हो, लेकिन जब गौ माता के पोषण की बात आती है तब ये कर्म हमें अपने हाथों से करना होगा। और उसी वक्त को नाथ द्वारा में ग्वाल दर्शन के रूप में भक्तों के सामने रखा जाता है और ग्वाल दर्शन के समय गाया जाता ये पद आप भी हमारे साथ गाइए। ग्वाल आगे आगे गईया,
पीछे पीछे बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रस रचावे मेरो मदन गोपाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधे जय हो। छोटी छोटी लपुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लपुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नन्हो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, प्यारो सो मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, ओ रस रचावे मेरो मदन गोपाल, रस रचावे मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जीवन का अगर कोई आधार है तो ये तालुकात रिश्ते नाते
वहाँ तक के है जहाँ तक हम और आप जिंदा हैं। जैसे ही हम मौत के शरण में चले जाते हैं, वहीं पर सारे रिश्ते नाते इस सृष्टि पर छूट जाते हैं। इसीलिए जिंदगी की हकीकत इन लफ्जों में बयां करते हैं हम कि कौन किसे दिल में जगा देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है। कौन किसे दिल में जगा देता है, पेड़ भी सूखे पत्ते गिरा देता है। वाकिफ है हम दुनिया के रस्म और रिवाजों से कि जान एक बार निकल जाए तो अपना ही कोई जला देता है। अगर जिंदगी की हकीकत यही है तो फिर जिंदगी का आधार सिर्फ एक ही होना चाहिए और वो है ईश्वर के चरणारविंद। क्योंकि हमारा और भगवान का जो नाता है वो शायद LIC की पॉलिसी जैसा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद, ओ वल्लभ के श्री विठ्ठल के चरणारविंद। Love you.
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद 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 गोपाल नंदन।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे रानी का नाम स्मरण। श्री कृष्ण हमेशा राधे के बिना आधे कहे जाते हैं, सिर्फ इसलिए 11 साल और 52 महीने राधे और कृष्ण का संग गोकुल मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों में रहा, लेकिन आज तक राधे और कृष्ण जैसा शुद्ध प्रेम इस सृष्टि में उनके बाद कहीं भी संभव नहीं हुआ। शुद्धाद्वैत प्रेम की अगर मिसाल दी जाए तो सिर्फ राधे और कृष्ण। जब राधे रानी का नाम स्मरण हो चुका है तब इसी नाम का रटन करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि राधे राधे रटो तो चले आते हैं बिहारी। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, हे मन हे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मचावे बरसाने की रज धाम राधा जी की रज धाड़ी लागे, रज धाड़ी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। भानु की ललित तो
मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी तो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी तो धार है बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी अरे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधे राधे रखो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधा रानी मुरली तो तान है 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 बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी तो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी राधे 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 जय हो अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा अरे सबके मन को लुभाई गयो रे यशोदा के ललनवा सबके मन को लुभाई गयो रे यशोदा के ललनवा अरे चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा उसे पूछा के नाम तेरा क्या है मैंने उसे पूछा के मैंने उसे पूछा के नाम तेरा क्या है माधव माधव
सब नाम बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। माधव नाम बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। मैंने उसे पूछा के प्यारी तेरी कौन है। मैंने उसे पूछा के प्यारी तेरी कौन है। राधा अरे राधा राधा रानी जी बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। राधा रानी जी बताई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा। चोरी चोरी श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तू राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। राधा ढूंढ रही राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। राधा तेरा श्याम हमने राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा। बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए वो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। इस सत्संग के माध्यम से किसी ने भी अगर श्याम को देखा है तो ये सफलता शांतिधाम लेस्टर आपकी है। और शांतिधाम लेस्टर के माध्यम से हम हैं आपके साथ ख्वाहिश एंटरटेनमेंट, जिनके ऑर्गेनाइजर कम डायरेक्टर हैं केयूर पोटा जी, तबला पर हमारा साथ दे रहे हैं।
इनके साथ ऑक्टोपेड पर हमारे साथ है किशन पाठक, कीबोर्ड पर सोनू की जिम्मेदारी जिनके सर है वो है भार्गव चांगेला, और जो सुर आप तक पहुंच रहे हैं जिन्हें हम प्यार से लालजी कहते हैं वो हमारे कलाकार हितेश्वर नानावटी हमारे साथ है, और इस पूरे संगीत वृंद का मोर पंख जिसे स्वर श्रृंगार गुजरात का कह सकते हैं वो है निधि धोलकिया जी आपके साथ, और साथ में यहाँ पर साउंड सिस्टम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं सुनील भाई पटेल पैरामाउंट साउंड राजकोट, और वीडियो की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं हेमंत सुरैया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया शांतिधाम लेस्टर परिवार, आप सभी को ख्वाहिश एंटरटेनमेंट की ओर से जय श्री कृष्ण कृष्णम वंदे।